प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे सीखा जाए। टैली को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो ऑनलाइन पे इसको सीखो, इसके बेसिक्स, या ऑफलाइन पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लो। तो जैसे ही आप एडमिशन लोगे, चाहे ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे, तो सबसे पहले उसके बेसिक सीखो। टैली कैसे काम करता है, इसमें कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां आप जो बनाओगे वो होती हैं। कोई कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम लेज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद वो जो एंट्रीज होती है, परचेज की, सेल की, या एक्सपेंसेस की, इनकम्स की। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब एक कदम आगे चलो, एडवांस चीज़ सीखनी है। एडवांस में होगा कि आप टैली की मदद से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे फीचर्स ऑप्शन का अच्छा इस्तेमाल कर सकोगे, जिसमें आप इन्वेंटरी फीचर्स हैं कुछ, कुछ अकाउंटिंग फीचर्स हैं, कुछ टैक्सेशन फीचर्स हैं, उन सब का आपको उपयोग करना आना चाहिए। उसके लिए एक-एक फीचर्स की, एक-एक ऑप्शन में चेंजेस करके आप उसको सेल्फ स्टडी के द्वारा भी सीख सकते हो, या किसी अच्छे अध्यापक की मदद से आप सीख सकते हो। तथा धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा जब आप पूरी तरह टैली सीख जाओगे, पर यहाँ आपने अपना काम बंद नहीं कर देना। आपने इसको एक लगातार चलने वाली एक्टिविटी के रूप में बदलना है। जब आप इसमें बदलोगे तो धीरे धीरे आप इसमें एक एक्सपर्ट व्यक्ति हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।